हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का 9th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर के हम ऑलरेडी 8 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। इन 8 वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्म सिस्टम, मेजर क्रॉप्स और साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी के बारे में बात की है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले अपने 2 वीडियो लेक्चर्स में बात की मेजर क्रॉप्स की, जैसे कि वीट, राइस, मिलेट, मेज, टी, कॉफी, कॉटन, जूट। जी हाँ, जिसमें हमने फाइबर क्रॉप्स की बात की, फूड क्रॉप्स की बात की, साथ ही साथ हमने बीवर्ज क्रॉप्स की भी बात की, यानी हमने सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप जो होते हैं उन्हें कवर अप किया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, कैसे एग्रीकल्चर डेवलप करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर के कुछ आखिरी वीडियो लेक्चर्स में एक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल फार्म सिस्टम का, वो इंडिया का और यूएसए का, उसके बाद हमारा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। तो आज का स्टूडेंट वीडियो जो है बहुत लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, कि कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है, कृषि को उन्नत बनाने का, खेती को डेवलप करने का जो पूरा प्रोसेस है, तरीका है, हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो का हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि वेरियस टाइप्स के क्रॉप्स को उगने के लिए वेरियस टाइप की कंडीशन चाहिए, लेकिन आज के इस कंडीशन में, आज के समय में ये वेरियस जो कंडीशंस मिल पा रही नहीं, जैसे कि लूमी सॉइल नहीं मिल पा रही है, अच्छे से सनशाइन नहीं मिल पा रही है, यानी सॉइल फर्टाइल नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंडीशंस लैग कर रही हैं। तो इन लैगिंग कंडीशन के बावजूद अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है, भले ही हमारे पास खेत कम हो, भले ही हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो रहा हो, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भी भरना जरूरी है, यानी कि इनकी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत आवश्यक है, यानी द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी फुलफिल्ड, है ना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड्स, ज़रूरत पूरी होनी ही चाहिए, तो उसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ तरीके अपनाने होंगे, यानी कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना होगा, क्योंकि हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, अर्थ पे जितना खेत है उतना ही रहेगा, हम अर्थ को डबल नहीं कर सकते, खेत को बड़ा नहीं कर सकते, पर पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें इस चीज को सस्टेन करने के लिए, रोकने के लिए कुछ करना होगा, जरूरत को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट करना होगा, तो उसी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है पॉपुलेशन की बढ़ती हुई डिमांड्स जो है उसको पूरा करने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो पहली बात ये कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, किस चीज को रेफर करता है, यानी कि हम डेफिनेशन की बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। जी हाँ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। जी हाँ, फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मींस एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। जी हाँ, फार्म प्रोडक्शन यानी खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी खेतों में पैदावार बढ़ाने को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करते हैं। अब ये क्यों जरूरी है भाई, क्यों करना पड़ेगा ऐसा, इट इज डन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2 पॉइंट देख पा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट हमें क्या कहते हैं, पहला तो हमें डेफिनेशन बताता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, और दूसरा ये पॉइंट ये बताता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों करना है, क्या होता है, क्यों करना है। चलिए हम देखते हैं फिर से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब वो कोशिशें, वो एफर्ट्स की जाती हैं जिससे फार्म प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। विच एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा है, तो पहली बात होगी। दूसरी बात, इट इज डन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स। ये क्यों किया जाता है, ग्रोइंग डिमांड्स को पूरा करने की, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जी हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। तीसरी बात, दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंट वेज। हमें ये सारी चीजें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करना, ये सारी चीजें कुछ खास तरीकों से की जा सकती है, यानी कुछ ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हमें काम कर सकते हैं। तो कौन से वेज है, किन वेज के थ्रू हमें कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है क्रॉप एरिया को बढ़ा के, इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया। इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया मतलब पहले तो क्रॉपिंग एरिया बढ़ाओ। पहले हम 1 हेक्टेयर खेत में खेती करते थे, हम 2 हेक्टेयर में करेंगे, 1 एकड़ खेत थी हम उसको 2 एकड़ बनाएंगे, ये कर सकते हैं हम। बट इसका प्रॉब्लम एक ही देखिए कि आप खेत बढ़ाने के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियर करना होगा, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे तो क्या होगा, और नुकसान है, जंगल पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, और नुकसान होगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और हमें ये सब काम करने पड़ेंगे ना, ये एक तरीका अच्छा तो नहीं है।
दूसरा तरीका नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि कई बार किसान क्या करते हैं, साल में एक ही फसल उगाते हैं और दो चार महीने तीन महीने तक उनके खेत खाली होता है। तो अब किसान को क्या करना चाहिए, वो एक क्रॉप उगा रहा है लेकिन खाली जो समय है उसमें कोई ऐसी क्रॉप चुन लेनी चाहिए जिससे क्या हो कि दो तीन महीने में अच्छी क्रॉप उग जाए। फॉर एग्जाम्पल मेज की बात करें, या फिर वेजिटेबल्स हम उगा सकते हैं, या फिर जानवरों को खाने के लिए चारा फॉडर वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा, कम समय में अच्छा खेत का इस्तेमाल हो जाएगा, अच्छी क्रॉप भी उग जाएगी और जनसंख्या की बढ़ती हुई डिमांड पूरी हो सकती है। ठीक, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई करने की व्यवस्था, यानी पानी की जो पानी देना खेत में, इरीगेशन देना, सिंचाई है ना, पानी देना, जो फैसिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। वैसे पहले पानी नहर से देते थे तो ज्यादा कम हो जाता था, फिर हम क्या कर सकते हैं, मशीनों से पानी दे सकते हैं, या फिर इरीगेशन के लिए पाइप्स लगा सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन आपने देखा होगा, ड्रिप इरीगेशन में क्या करते हैं, पौधे के पास से लाइन से पाइप गुजारते हैं, पतली पाइप ब्लैक कलर की, और वहां पे छेद होता है जहां पे पौधा होता है, तो बूंद बूंद पानी जो है पौधे की जड़ में रूट्स में गिरते रहता है, तो इससे फायदा होता है प्लांट्स में। ये भी हम कर सकते हैं चाहे तो ना, फिर दिस कैन बी अचीव थ्रू डिफरेंट वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, क्रॉप एरिया बढ़ा के, जो बताया मैंने एक एकड़ की जगह दो एकड़ में खेती करो, उससे ज्यादा बढ़ाते जाओ, जितना आपके पास है उससे बढ़ाते जाओ। दूसरा इंप्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यानी सिंचाई करना, पानी देने की जो फैसिलिटी होती है खेतों में, पौधों में जो हम पानी देते हैं उसको फैसिलिटी को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, इंप्रूव करेंगे, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी, उससे ज्यादा पानी मिलेगा। तो तीसरा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल, हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब HYB सीड का इस्तेमाल, मतलब ऐसी सीड जो साइंटिस्ट ने बनाई है जिस सीड से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल सीड्स आप इस्तेमाल करेंगे खेत वाली सीड्स को तो आपसे एक किलो अनाज उगा सकते हैं मान लीजिए, लेकिन अगर आप HYB सीड इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो सकता है आप 2 किलो या 1.5 kg उगा सकते हैं। यानी कि HYB सीड्स का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, HYB सीड्स को पानी कम लगता है, HYB सीड्स में खाद कम देनी पड़ती है, HYB सीड्स बहुत जल्दी बन जाती है, जल्दी फसल तैयार कर देता है। इस तरह की चीजें से होती है हाई यील्डिंग वैरायटीज को साइंटिस्ट बनाते हैं, लैब में डेवलप करते हैं। ये सारी बातें की जा सकती हैं खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्या क्या की जा सकती हैं, पहला तो क्या करो, इंक्रीजिंग करो क्रॉप एरिया को बढ़ा दो। दूसरा क्या करो, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, एक से ज्यादा फसल होगा, पहले आप दो फसल उगाते थे तीन उगाते थे चार उगाइए, उसको बढ़ाइए, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें या फिर मैन्यूर की बात करें, मैन्यूर मतलब जैविक खाद नेचुरल जो गोबर से बनती हो, केमिकल कंपोस्ट से बनती हो ना, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है तो यूरिया फॉस्फेट जो लैब में बनता है केमिकल्स वो डाले जा सकते हैं। ठीक, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYB सीड्स, यानी अच्छी क्वालिटी के बीज जो साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने में, खेत का प्रोडक्शन बढ़ाने में। ठीक, ये तो बात होगी मैंने तीन पॉइंट्स, और हमने देख लिया कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। क्या करना है, खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने का एफर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड पूरी करनी है। कैसे करना है, इरिगेशन एरिया बढ़ा के, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके ग्रोइंग एरिया बढ़ा के हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक, चौथी बात, अब इसका मकसद क्या है, द एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। जी हाँ, फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, यानी हमें इतना खाना उगाना है कि किसी भी इंसान का जो फूड है ना वो अवेलेबल रहे हमेशा, भुखमरी ना आए। जैसे मान लीजिए 2-3 साल तक मान लीजिए कि क्रॉप ही अच्छी ना हो, बारिश ही ना हो, कहीं फसल ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने पहले ही बहुत सारा उगा के क्या किया हो, स्टोर करके रखा हो ताकि जरूरत हम इस्तेमाल कर पाए, इसी बात को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। जी हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, खराब कंडीशन के लिए प्रिपेयर होती है, वो बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखती है ताकि आने वाले अगर 1-2 साल में बारिश ना भी हो तो वो 1-2 साल तक हम अपनी फसल को क्या कर सकते हैं, उस स्टोर किए गए अनाज को खाकर, गरीबों में बांट कर, लोगों तक पहुंचा कर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो यही चीज कहां पर की जाती है, गवर्नमेंट करती है, सोसाइटी में हमारी सरकार करती है। और क्या होता है, जो टेक्निक्स है खेती की वो चेंज की जा सकती है, मतलब पुरानी टेक्निक के जगह न्यू टेक्निक लगाओ जिससे खेती में प्रोडक्शन अच्छा हो, वो चेंज हो। जैसे कि मशीनाइजेशन किया जा सकता है। मशीनाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन लेबर की जगह पर मशीन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। इससे क्या होगा, ह्यूमन ज्यादा नहीं लगेंगे, मशीन का काम क्या होता है, परफेक्ट होता है, एग्जैक्ट होता है ना। ह्यूमन लेबर टाइम भी कंज्यूम करते हैं, धीरे करते हैं, और जबकि जो मशीन होती है परफेक्ट होती है और फास्ट काम होता है। तो मशीनाइजेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग मशीन मोर देन ह्यूमन लेबर, है ना। ये जो मशीनाइजेशन है भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पार्ट है, इसे भी किया जा सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, मशीनाइजेशन जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पार्ट है। बिना मशीनाइजेशन के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। आप इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप्स मशीन लगानी पड़ेगी इरीगेशन के लिए, हो गया मशीन।
आपको अगर मान लीजिए अच्छी क्रॉप उगानी है, ज्यादा क्रॉप उगानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मशीन, हार्वेस्टर, कंपाउंड, प्लो, प्लो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लो समझते हैं ना आप, हल बैल जिसको बोलते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ हम खेत को लेवल करने लेवलर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, और एचवाईवी सीड्स में हम मशीन, यानी कि साइंटिफिक लैब में बना हुआ एचवाईवी सीड्स इस्तेमाल करेंगे। यानी बिना मशीन के हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, अधूरा रह जाएगा। तो मशीनाइजेशन करना क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पार्ट है, ये हमें करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर ली हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, कि क्या होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और कैसे अचीव किया जाता है। अब हम बात करेंगे, चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में और एक कम डेवलप्ड कंट्री में, यानी कि डेवलपिंग नेशन या फिर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड नेशन में कैसे परफॉर्म होता है। यानी जैसे ऐसा देश हो जो बहुत ही वेल डेवलप्ड है जैसे कि यूएसए, और एक डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया, इनमें कैसा फर्क होता है, इनकी खेती में, इनके एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, इनके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में किस तरह से फर्क है, यानी कि किस प्रकार की खेती इंडिया में की जाती है यानी कि डेवलपिंग नेशन में, और कैसी कंट्री में खेती की जाती है जैसे जो डेवलप्ड हो गया उस कंट्री में कैसी खेती की जाती है, इसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है फर्क करता है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन, यानी एग्रीकल्चर की प्रोसेस एक ऐसी कंट्री जहां पे अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं, मतलब हो रहा है प्रोग्रेस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो वहां कैसी खेती होती है, और एक ऐसी कंट्री जहां पे सालों पहले डेवलपमेंट हो चुका है, यानी कि वहां पे सभी लोग क्या है, एकदम डेवलप हो चुके हैं, सारी मॉडर्न फैसिलिटी है, तो उस डेवलप्ड कंट्री में कैसी खेती की जाती है, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, इस वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट समय पर एग्रीकल्चर क्या हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह पर इस दुनिया में अलग क्या हो गया, खेती डेवलप हो चुकी है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, और कहीं पर डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पर डेवलपमेंट हो चुकी है, और कहीं पर डेवलपमेंट से बहुत आगे निकल चुके हैं, डेवलपमेंट बहुत पहले ही हो चुका है, इस तरह की खेती परफॉर्म हो रही है, तो हमें उसी के बारे में जानना है। दूसरी बात, डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन वाली होती है, यानी कि वो कंट्री जो बहुत ही लार्ज है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लें कि इंडिया की हो गई, या फिर चाइना की खेती की बात करें, तो यहाँ के लोग खेती करते हैं ढेर सारा, ताकि ढेर सारा अनाज उगाया जाए, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड पूरी हो जाए, तो क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं करते, वो इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव मतलब इसमें ज्यादा ही उगाना है, बेचना है, सारे काम ज्यादा करने हैं हमें, ठीक। तो पहली बात, डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। क्या करते हैं, यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। दूसरी बात, हियर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सटेंसेस। यहाँ पे खेती जो की जाती है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मतलब छोटी छोटी जगहों पर, आधे एकड़ में, एक एकड़ में, ऐसे खेती की जाती है फॉर सब्सटेंसेस, यानी कि खुद का जो भोजन पूर्ति है, भोजन आवश्यकता उसकी पूर्ति करने के लिए, यानी एक फैमिली अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसे कितना गेहूं चाहिए, उसे कितना चावल चाहिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, लार्ज अमाउंट पे नहीं करते, उन्हें बेचने के लिए खेती नहीं करना, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स ही नहीं है, इतना लैंड ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कि वो सिर्फ क्या करें, सबके लिए उगा पाए, वो सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, ठीक। Here crops are grown on small holdings mostly for subsistence, यानी अपनी लाइफ चलाने के लिए बस वो खेती करते हैं। Longer holdings, जबकि अपोजिट में डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? Longer holdings are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada and Australia. इन देशों में बड़े बड़े लैंड पर खेती होती है, यानी एक साथ 100 एकड़, 10 हेक्टर, 20 हेक्टर, 50 हेक्टर, है ना, 150 हेक्टर, ऐसे हेक्टर्स में बड़े बड़े खेतों में क्या होती है, खेती की जाती है। इससे क्या होगा, इसमें इतना सारा अनाज उगेगा कि उतना तो खा ही नहीं पाएंगे, तो बादशाह क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो क्या होगा, बेचना मतलब ट्रेड, कॉमर्स, है ना। तो लार्ज होल्डिंग जो होती है लैंड की, वो सूटेबल होती है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, यूएसए, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पर खेती होती है, ताकि क्या हो सके, जो भी खेत में अनाज उगे वो बहुत सारा उगे, और उसे बेचकर क्या किया जा सके, पैसा कमाया जा सके, और दूसरे लोगों की जरूरत जो खुद नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उनकी जरूरत को ये लोग पूरा कर पाते हैं। तो यही खेती की जाती है किस प्रकार के, डेवलप कंट्रीज में, यानी कि अमेरिका हो गया, यूएसए, वही कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज, ठीक। तो इस बात को समझने के लिए,
कि डेवलप कंट्री में खेती कैसे होती है, डेवलपिंग कंट्री में खेती कैसे होती है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल भी पढ़ने वाले इस चैप्टर में। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम पढ़ेंगे एक डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल जहां पर कैसे खेती की जाती है, फिर हम पढ़ेंगे एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन का एग्जांपल जहां पर खेती अलग प्रकार से की जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपने भी यहां पर पढ़ा कि डेवलपिंग में और डेवलप में खेती के प्रकार अलग अलग होते हैं। हमने पूरा मेथड तो नहीं जाना, बट इतना जरूर जाना कि डेवलप्ड कंट्री में जो खेती की जाती है वो क्या की जाती है, बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन, जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या करते हैं, लार्जर होल्डिंग पे खेती करते हैं। ठीक, जो डेवलप्ड नेशन है वो लार्जर होल्डिंग पे करते हैं, जबकि जो डेवलपिंग है वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए स्मॉल होल्डिंग्स पर करते हैं और सब्सटेंसेस करते हैं, जबकि ये लोग क्या करते हैं, लार्जर होल्डिंग्स वाले इंटेंसिव करते हैं, इनका कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि लार्ज लैंडिंग्स वाले क्या करते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, जबकि स्मॉल होल्डिंग्स वाले सब्सटेंस एग्रीकल्चर करते हैं। सब्सटेंस से सिर्फ अपना पेट भरता है, अपने परिवार का, जबकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से क्या होता है, पूरी सोसाइटी, पूरे देश का भी पेट भरा जा सकता है अगर सारे लोग मिलकर इस तरह की खेती करें तो। अब ये सुटेबल उन्हीं के लिए है जहाँ पर ढेर सारी लैंड हो, पॉपुलेशन कम हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बट ये जो स्मॉल होल्डिंग्स वाली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रिमिटिव सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस एग्रीकल्चर होगा। ये कहाँ परफॉर्म किया जाता होगा, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहाँ सिर्फ अपना पेट भरना होगा, तो ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती है। तो ये बात कर ली हमने एग्रीकल्चर कहाँ की, डेवलप का और डेवलपिंग कंट्री का। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कौन से वो फार्म सिस्टम का एग्जाम्पल लिया जाएगा, कौन से दो देशों की खेती का एग्जाम्पल लिया जाएगा, जैसे कि फार्म इन ए डेवलप्ड कंट्री, फार्म इन ए क्या होगा, अनडेवलप्ड, या फिर हम डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे, तो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई, अभी डेवलप हो रही है, उन कंट्री से एग्जांपल हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन से वो कंट्रीज हैं, जैसे कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, हमें खेती को एक डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में समझने के लिए किस तरह से खेती होती है, कैसे वो चेंज होती है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। यहां एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो डेवलपिंग है और डेवलपिंग नेशन का एग्रीकल्चर है, डेवलपिंग और डेवलप्ड का, ये हम समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी वो कंट्री से एग्जांपल पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं कि कौन सी वो दो कंट्रीज चुनी जाएगी जो एक डेवलप होगी और एक डेवलपिंग होगी, यानी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल हम कौन सी का पढ़ने वाले हैं और डेवलपिंग का कौन सी कंट्रीज का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, खेती का, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, चलिए हम उसकी बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंडिया का। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। इंडिया जो है वह एक डेवलपिंग नेशन है। अब डेवलपिंग नेशन का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड का क्या होता है, सारी बातें हम आपको बताते हैं। देखिए, डेवलपिंग नेशन का मतलब वो होता है कि वो कंट्री जिसमें अभी तक सारी बेसिक फैसिलिटी, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी कंट्री में नहीं पहुंची, यानी कि यहाँ पर कंट्री में क्या होता है, सभी लोग डेवलप्ड नहीं हुए, सबके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, सबके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो एक अमीर देश में होती हैं। ठीक, और वही बात करें हम यूएसए की, तो एक डेवलप्ड नेशन है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है ना। यहाँ डेवलप्ड में क्या होता है, हर तरह की बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सभी के पास बिजली, घर है ना, पानी, ये सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है, बढ़िया से उपलब्ध होती है, तो वो डेवलप्ड होती है, यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध है। जबकि हमारे यहाँ या इंडिया जैसे की बात करें, डेवलपिंग नेशन की बात करें, वो डेवलप हो रही है, वो गरीब भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब देश है, नहीं, वो गरीब देश से ऊपर उठ चुकी है, उनमें डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी आ गई है, लेकिन अभी तक ये फैसिलिटीज जो है पूरे भारत में, यानी पूरे कंट्रीज में नहीं फैले हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र हो गया, हम बात कर लें गुजरात की बात कर लेते हैं, साउथ के स्टेट्स की बात कर लेते हैं, इन स्टेट्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत आगे निकल चुके हैं स्टेट्स, यानी डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वही बात करें हम बिहार की, या बात करें हम छत्तीसगढ़ की, जम्मू कश्मीर की, है ना, हम बात करें कुछ अदर स्टेट्स, मणिपुर, मेघालय, है ना, इन सब स्टेट्स की, असम वगैरह स्टेट्स की, तो इन स्टेट्स में आज भी डेवलपमेंट जो है पिछड़ा हुआ है, आज भी डेवलपमेंट क्या है, पीछे है, वो सारी फैसिलिटी अभी तक नहीं आई है जो इन स्टेट्स, यानी कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, है ना, इन स्टेट्स में है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेवलपिंग स्टेट और डेवलप्ड स्टेट में क्या फर्क होता है। डेवलप्ड स्टेट वो स्टेट जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, पूरी बेसिक फैसिलिटीज हैं, सब लोग डेवलप्ड है बढ़िया से। बट डेवलपिंग स्टेट वो जहाँ पर हर डेवलपिंग फैसिलिटीज सबको नहीं मिली है, मिली तो है फैसिलिटीज पर थोड़ी थोड़ी, या कहीं पर आधे लोगों को पूरी फैसिलिटी मिल गई, आधे लोगों को कुछ नहीं मिली है, यानी कि कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे सभी लोग डेवलप्ड हो चुके हैं वो डेवलप्ड नेशन, ऐसा कंडीशन जहाँ पे सभी लोग डेवलप्ड नहीं हुए, कुछ ही लोग डेवलप्ड हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, डेवलपिंग। तो इसी में एग्जाम्पल पढ़ने वाले किसका, इंडिया का जो एक डेवलपिंग नेशन है, और पढ़ने वाले हैं यूएसए का जो क्या है, डेवलप्ड नेशन है। इन्हीं दो कंट्रीज का एग्जाम्पल पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इन देशों में खेती कैसे होती है, इनकी खेती देखकर, इनका एग्रीकल्चर प्रोसेस देखकर, पढ़कर, समझकर हम ये जान पाएंगे कि क्या फर्क होता है एक डेवलप्ड नेशन के एग्रीकल्चर में और क्या फर्क होता है एक डेवलपिंग नेशन के एग्रीकल्चर में, कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेशंस की एक और कैटेगरी होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग की, डेवलपमेंट की, एक और होता है अंडर डेवलप। क्या होता है,
अंडर डेवलप, ये वो कंट्री होती है जिसमें तो अभी फैसिलिटीज लगभग किसी के पास है ही नहीं, बस कुछ ही लोग के पास होगी। यानी कि हम कह सकते हैं पहली जो लोएस्ट कैटेगरी है थर्ड रैंक की, वो होती है अंडर डेवलप की, ये तो कुछ भी डेवलप नहीं हुए, एकदम गरीब देश कैटेगरी ना, पुअर कंट्री बोल सकते हैं, ठीक। और एक होगा जो मीडियम कंट्री होगी, मीडियम यानी कुछ के पास फैसिलिटीज है कुछ के पास नहीं है, जबकि डेवलप में कि सभी के पास है, इसको रिच की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे सभी के पास, ऑल पर्संस हैव देयर डेवलप्ड फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी, दे आर हैव एसेस टू डेवलप फैसिलिटीज, है ना। तो इस तरह से हम बात करने वाले हैं कि डेवलप नेशन में एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है और डेवलपिंग नेशन में कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने सीख लिया होगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन में कैसे किया जाता है। हमने इंट्रोडक्शन ये भी देख लिया कि डेवलप कंट्री किसे कहते हैं, साथ ही साथ डेवलपिंग नेशन किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमने जान ली है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो था, इसके बाद का जो वीडियो आएगा लेक्चर वो हमारा लास्ट होगा, यानी कि 10th वीडियो लेक्चर हमारे इस चैप्टर का दी एंड कर देगा। तो आपको सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, नौ ये इस पार्ट को इंक्लूड करके 9 वीडियो लेक्चर्स हो गए हैं टोटल, उनके सभी वीडियो लेक्चर्स के आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, साथ ही साथ एक टेस्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।